Hello everyone and welcome back. I'm your nutritionist Azra Khan and in today's video I'm going to share with you how I eat every 2 hours and still lose weight. Now मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान्स बताए हुए हैं एंड अपने क्लाइंट्स के वेट लॉस अपडेट्स वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस भी शेयर किए हुए हैं जिनका प्लेलिस्ट मैं ऊपर कहीं आई बटन में डाल दूंगी टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मैं हर 2 घंटे में क्यों खाती हूँ उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ भी हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना मैनेज कर ले सो विदाउट फर्दर अडू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ऑल दीज टॉपिक्स गेट कवर्ड इन दिस वीडियो देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ईटिंग आर वेरी पॉपुलर कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं कुछ लोग डॉक्टर दीक्षित का डाइट प्लान फॉलो करते हैं 2 meal a day, 1 meal a day वाटर फास्टिंग इन वॉट नॉट हैविंग स्मॉल पोर्शंस एंड हैविंग मल्टीपल मील्स इन अ डे 4 to 5 meals a day वर्क्स वेरी वेल फॉर मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हु रुइन देयर मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ क्रैश डाइटिंग ना हम लोगों का मेटाबॉलिज्म ये बताता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में फैट बर्न होता है द फास्टर आर मेटाबॉलिज्म द बेटर चांसेस आर ऑफ लूजिंग वेट क्विकली बहुत सारे लोग अपना मेटाबॉलिज्म इसलिए रुइन कर देते हैं बिकॉज दे स्टार्व फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम और एक टाइम ऐसा आता है तब जब वो बहुत थोड़ी सी कैलोरीज भी अगर कंज्यूम करते हैं दे पुट ऑन वेट सम ऑफ माय क्लाइंट्स हु कम टू मी विद दिस इशू कि वो कुछ भी खाते हैं उनका वेट बढ़ जाता है नो मैटर कितना भी हेल्दी खाना खाए दे गेन वेट आई ट्रैक देयर एंटायर प्रोग्रेस व्हेन दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन द पास्ट एंड देन आई फिगर आउट द वे टू रिवर्स देयर डाइट रिवर्स डाइटिंग इसको कहते हैं और उस सिचुएशन में मेरा एवरी 2 hours पे स्मॉल पोर्शंस कंज्यूम करने वाला जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा काम है चाहे आप सेम कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हैं बट जिस क्वांटिटी में आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऑन हाउ मच यू लूज एंड हाउ मच यू गेन इन रिस्पेक्ट टू फैट एंड वेट सो हैविंग मल्टीपल स्मॉल मील्स रियली हेल्प्स इन किकिंग स्टार्ट योर डे एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होता है इमीजिएटली बहुत ज्यादा आप एक साथ कंज्यूम करोगे अगर मील्स को तो आपकी बॉडी लिथार्जिक और डल भी हो जाती है हैविंग मल्टीपल स्मॉल मील्स इज बट मच बेटर देन हैविंग 2 large meals एंड आई हैव फॉलो डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान एंड हैव फुल रिव्यू ऑफ दैट आई डिड see some good changes but now I have multiple times explained you guys that I stick to 5 to 6 small meals rather than 2 large meals now I also vouch with intermittent fasting right ab aap log confuse ho rahe honge ki main itne sare meals ko intermittent fasting ki window mein kaise incorporate kar leti hu I do not always focus on completing 16 hours I try to have a minimum gap of 12 hours एंड मैक्सिमम वो 16-17 भी हो जाता है एंड इट वेरीज आई डोंट स्ट्रेस माई सेल्फ कि ठीक है अब हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करनी है तो 16 घंटे कंप्लीट करने ही करने डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम इफ आई एम ट्रैवलिंग इफ आई एम सिटिंग एट होम इफ आई एम फीलिंग हंग्री इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैं कितने आवर्स फास्ट करती हूँ बट येस मिनिमम 12 hours बिटवीन माई लास्ट मील एंड माई फर्स्ट मील इज द ओपन करने से लेके रात के 7 बजे तक व्हेन आई हैव माई लास्ट मील आई हैव मल्टीपल स्मॉलर मील एंड हियर इट इज हाउ आई कम्प्लीट माई टारगेट सो आई डिवाइड माई मील्स इन टू 3 large meals एंड 3 to 4 smaller meals 3 large meals आर मेनली माई ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड देन मेरा मॉर्निंग स्नैक इवनिंग स्नैक और मैं सुबह उठते ही जो एक फ्रूट कंज्यूम करती हूँ दैट कम्प्राइजेज ऑफ माई 3 small meals वेन इट कम्स टू 3 large meals इट इज बेसिक सेम फॉर एवरी वन मील्स में मल्टीपल टाइम जो छोटे छोटे मील्स मैं पूरे दिन लेती हूँ उससे मैं सेशिएटेड रहती हूँ मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती जिसकी वजह से जब भी मैं कुछ बहुत ज्यादा जंक भी देखती हूँ तो मुझे क्रेविंग्स नहीं होती अक्सर हम लोगों को क्रेविंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम लोग ओवर रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपने आप को सो दिस इज द ट्रिक इफ आई हैव मल्टीपल स्मॉल मील माई माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग दैट आई एम फुल एंड आई डोंट ओवर ईट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके अलावा जो मेरी एक ट्रिक है जिसके वजह से आप सब लोग परेशान रहते हैं कि रात को आप सिर्फ सूप्स लें या सिर्फ सैलड्स लें या तो फिर लाइट मील्स लें बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो उनको भूख लग जाती है अगर वो कुछ हैवी नहीं खाते हैं डिनर में तो अगर आप मल्टीपल मील्स लेते हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ 3 large meals 1 evening snack 1 morning snack एंड 1 thing as soon as you get up that is your fruit तो आपको भूख नहीं लगेगी गाइज अगर आप भूखे रहोगे बहुत लंबे टाइम तक तो अगर लास्ट मील में आप सुपर लाइट कुछ ले रहे हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील हंग्री सो दिस इज द एंटायर पैटर्न विच आई फॉलो Now what you can do is आप ziploc bags purchase कर सकते हैं amazon पे आते हैं अगर आप office goer हो या आप student हो तो ziploc bags में nuts डाल सकते हो dried figs डाल सकते हो peanuts डाल सकते हो these are the things which will keep you satiated and full for longer high omega 3 fatty acids होते हैं इसके अंदर तो आपकी appetite को suppress करने में बहुत ज्यादा काम आएगा
उसके अलावा अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली गर्ल्स कंप्लेन दैट जब भी वो डाइट करती है उनका स्किन बहुत डल हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है. दैट इज ओनली बिकॉज यू आर डिप्राइविंग योर बॉडी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स, एंड विच कैन बी कॉम्पनसेटेड व्हेन यू हैव स्मॉलर स्नैक ऑप्शंस इन योर मील प्लान. जो तीन लार्ज मील्स होंगे उसमें आप एक और ट्रिक कर सकते हो जो काफी मुझे काम आती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज. आई यूज टू टेक डब्बा, एक डब्बे में सब्जी दो रोटी लेके जाती थी एंड आई यूज टू डिवाइड दैट मील. उसके मैं एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी विद सैलेड एक बार अराउंड 12 बजे खाती थी और दूसरी रोटी विद सैलेड एंड सब्जी अराउंड 2 बजे खाती थी. सो एंड दिस वे मैं कैंटीन के खानों से बची रहती थी. जब भी मेरे पास फ्री पीरियड होता था आई हैड समथिंग टू ईट रादर देन गोइंग टू द कैंटीन एंड एक पैटी या एक समोसा खा लिया. मैंने किया था 3 साल तक, बट जब 2015 में मैं फोर्थ ईयर में थी एंड आई वॉज लूजिंग वेट आई वॉन्टेड टू रिस्ट्रिक्ट माई बाहर का खाना बिकॉज दैट इज द फर्स्ट चेंज विच आई डिड. मैं पहले बाहर बहुत ज्यादा खाती थी. हम हर कॉलेज स्टूडेंट की तरह नया नया फ्रीडम, नए नए पॉकेट मनी, सो आई यूज टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ दैट मनी इन फूड एंड दैट इज वाई आई ग्रू वेरी लार्ज एंड आई हैड रियली अनहेल्दी एंड अनफिट लाइफ स्टाइल. सो दैट इज अ सेपरेट इशू. इफ यू वॉन्ट टू नो माई एंटायर वेट लॉस जर्नी एंड स्टोरी यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन. आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन हाउ आई लॉस्ट वेट, वॉट आई डिड टू लूज वेट एंड अ लॉट मोर टॉपिक्स कवर्ड इन माई वेट लॉस जर्नी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Do not jump on having 6 or 7 meals a day just because I am saying it right now. Give it a try first. If you feel like it suits your pattern, then only try it. It is going to benefit you in the long run. पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तुरंत तुरंत 2 meals से 6 meal पे आ जाओगे. आप 2 meals से gradually 3 meals, 4 meals and then 4, 5 meals, 6 meals पे आओ. एकदम से कोई habit adapt करने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे inherit करिए, inhibit करिए. chance है कि आप धीरे धीरे अगर habits को inculcate करोगे तो लंबे समय तक उसको follow कर सकते हैं. बहुत जल्दी कोई फैड अगर आप फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज इट इज पॉपुलर यू आर गोइंग टू डू इट. अगर आप दिल से उसको नहीं कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग एक्चुअली एंड यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू सस्टेन इट. दैट इज व्हाई ऑलवेज ट्राई टू इनकल्केट थोड़े थोड़े स्टेप्स. अगर आप 2 meals कंज्यूम करते हो 3 से शुरुआत करिए, फिर अगले हफ्ते 4, अगले हफ्ते 5, अगले हफ्ते 6. आई एम समवन हु हैज ट्राइड एंड टेस्टेड अ लॉट ऑफ डाइट बिफोर आई became a nutritionist. I was a student just like you, a normal person. I did tons of research on myself itself. I did Dr. Dixit diet. I did one meal. Nothing helped me so much as my 5 small meals ka funda did. And that is why I'm sharing it with you all, because whatever benefits me and my clients, I think I should talk about it. And whoever wants to follow it, you can. So, sunne mein 5 to 6 meals a day bahut zyada lagta hai. But when you कैलकुलेट द कैलरीज जितना आप कंज्यूम कर रहे हो वो उतनी ही कैलरीज होती है. हैविंग सेड दैट, वो लोग जो 1200 कैलरीज को 600 कैलरीज में डिवाइड करके कंज्यूम करते हैं दे माइट गेन वेट. बट अगर आप मल्टीपल मील्स कंज्यूम करते हैं छोटे छोटे पोर्शंस, आपकी बॉडी इजिली उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट नहीं स्टोर होगा. यू आर गोइंग टू यूज द फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यू आर गोइंग टू लूज वेट इन अ मच बेटर वे, इन मच बेटर वे दैन someone who is having 2 meals in 600 calories. So with that, I come to the end of how I plan my meals and have 6 meals a day. It is very simple, no hassle. Agar aap mera what I eat in a day dekhoge, you will easily understand how I easily incorporate my meals in my intermittent fasting window and still manage to eat multiple meals. It has helped me in losing weight and in maintaining weight, and I am guaranteeing you if you inculcate this habit, aapko bhi bahut zyada benefits honge. With that, I come to the end of this video. I hope you enjoyed it. If you did, give it a big fat thumbs up. Do not forget to subscribe before you leave. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.